हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से आने वाले एग्जाम में हेल्प जरूर मिलेगी। वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का पहले क्वेश्चन देखते हैं। इसरो इज प्लानिंग टू लॉन्च मिशन टू वीनस बाय विच ईयर। आपको बताना है किस साल तक इसरो अपना एक मिशन वीनस पर भेज रहा है। ऑप्शन है आपके पास 2023, 2024, 2025 या फिर 2026। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, 2024 दिसंबर तक इसरो अपना एक मिशन वीनस पर भेज रहा है। दोस्तों यहां पर ये याद जरूर रखें कि इसरो की फाउंडेशन डाली गई थी 15th अगस्त 1969 को। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसरो के चेयरमैन हैं एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन सतर्क। आपको बताना है इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में ऑपरेशन सतर्क को लॉन्च किया। ऑप्शन है आपके पास आर्मी, आरपीएफ, बीएसएफ या फिर नेवी। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन सतर्क को लॉन्च किया। दोस्तों ऑपरेशन सतर्क 5th अप्रैल से लेकर 30th अप्रैल 2022 तक लॉन्च किया गया था। दोस्तों ये एक एंटी टबाको और एंटी स्मगलिंग ड्राइव था जो कि आरपीएफ ने चलाया था और इस दौरान आरपीएफ ने 44 लाख रुपीज़ का जो इलीगल टबाको प्रोडक्ट्स है वो सीज किया था। दोस्तों रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की फाउंडेशन डाली गई थी 27th जुलाई 1872 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं संजय चंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूटर धनुष श्रीकांत हैज वन विच मेडल एट द 24th डेपलम्पिक्स इन ब्राज़ील। आपको बताना है ब्राज़ील में 24th डेपलम्पिक्स में शूटर धनुष श्रीकांत ने इनमें से कौन सा मेडल जीता। ऑप्शन है आपके पास गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए, गोल्ड। दोस्तों यहाँ पर यह भी याद रखें कि धनुष श्रीकांत ने ये गोल्ड मेडल मेन्स 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन में जीता और इसके अलावा शौर्य सैनी ने इस कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच डेट वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे इज ऑब्जर्व। आपको बताना है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास May 3rd, May 4th, May 5th या फिर May 6th। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, May 5th को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। दोस्तों यहां पर आप ये याद जरूर रखें कि साल 2009 यानी 2009 में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम उन्होंने रखा था सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स और फिर इसी कैंपेन को वर्ल्ड हाइजीन डे जो है वो मनाया गया 5 मई को। दोस्तों यहां पर आप ये भी याद रखें कि साल 2022 के लिए जो थीम है वो है यूनाइट फॉर सेफ्टी क्लीन योर हैंड्स। दोस्तों यहां पर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप मुझे बताएं WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है। नीचे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल बी द फर्स्ट ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर एट द अपकमिंग मार्च ड्यू फिल्म इन फ्रांस। ऑप्शन है आपके पास पाकिस्तान, यूक्रेन, बांग्लादेश या फिर इंडिया। इसका ही आंसर रहेगा पार्ट डी, इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। आपको बताना है इनमें से किसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इलेक्ट किया गया है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के लिए। ऑप्शंस आपके पास, अरविंद कृष्णा, श्री सिंह बी खालिया, दिलीप संघानी या फिर के एस मानी। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए, अरविंद कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO एंड विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इनॉग्रेटेड मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल एट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। आपको बताना है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में WHO और इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल। ऑप्शन है आपके पास, एयरटेल, फेसबुक, नीति आयोग या फिर रेलटेल। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट डी, रेलटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट यूटी हैज लॉन्च्ड द लोन स्कीम जिवाला फॉर इनमेट्स सर्विंग सेंटेंसेस इन जेल। ऑप्शन है आपके पास, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप डेली वीडियोस, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।